हेलो स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड रूल्स फॉर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड नाउ वी विल सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसफर फंक्शन. वी हैव टू फाइंड सी अपॉन आर फॉर दिस ब्लॉक डायग्राम. स्टेप नंबर वन, टेक ऑफ पॉइंट को अगर G2 से, ये जो ब्लॉक है इससे पीछे लगा दिया जाए, अगर इस वाले टेक ऑफ पॉइंट को मैं शिफ्ट कर रही हूं इधर, देखिए क्या होता है, G2 और G3 ये दोनों फॉरवर्ड पाथ में आ जाएंगे. फॉरवर्ड एक लूप बना रहे हैं G2 और G3 और ये दोनों सॉल्व होके इधर समिंग पॉइंट में मतलब ये दोनों सिग्नल्स आ रहे, तो ये सॉल्व होके इधर आ जाएगा G2 प्लस G3. और जब टेक ऑफ पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाता है, किसी भी ब्लॉक के पीछे आ जाता है, तो यहां पे क्या होगा, इसके गेन में मल्टीप्लाई हो जाएगा. देखते कैसे. और ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए कि टेक ऑफ पॉइंट को ही शिफ्ट ज्यादा किया जाए. मेनली आप जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं ये टेक ऑफ पॉइंट पे ही ज्यादा हो. समिंग पॉइंट शिफ्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो G2 एंड G3 बोथ आर इन फॉरवर्ड पाथ एंड H1 G2. देखिए ये वाला टेक ऑफ पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया H1 G2. वी कैन इजिली सॉल्व दीज टू ब्लॉक्स. स्टेप टू, सॉल्व दिस ब्लॉक. बोथ ब्लॉक्स आर इन पैरेलल कनेक्शन, सो द फाइनल ट्रांसफर फंक्शन विल बी G2 प्लस G3. यहां पे फिर से एक टेक ऑफ पॉइंट नजर आ रहा है. अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को इस पूरे ब्लॉक के बाद लगा दिया जाए, इस टेक ऑफ पॉइंट को मैं शिफ्ट कर दूं इधर, तो क्या होगा गाइस, ये जो एक लूप दिखाई दे रहा है आपको, यूनिट फीडबैक क्लोज लूप दिखाई दे रहा है, लेकिन इस टेक ऑफ पॉइंट की वजह से सॉल्व नहीं हो सकता. तो क्या करेंगे, इस टेक ऑफ पॉइंट को यहां से शिफ्ट कर देंगे यहां तक. सो स्टेप 3 is shift this take off point beyond this block. अब अगर किसी टेक ऑफ पॉइंट को आप शिफ्ट करते हैं ब्लॉक के आगे, तो क्या होता है, इसका जो गेन है ये अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन में आ गया और ये टेक ऑफ पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया.
गाइज यहां तक आपको आ गया होगा कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ठीक है, हमने कैसे ब्लॉक्स को चेंज किया। अब सबसे आसान ब्लॉक कौन सा दिखाई दे रहा है, जो सबसे इंटरनल ब्लॉक है, ये वाला है ना, यूनिट फीडबैक में। इसको सॉल्व करते हैं स्टेप 4, और मेक श्योर कि आप एग्जाम में भी स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के को सॉल्व करें, क्योंकि आप एक साथ अगर मैश करते तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहां से आएगा G2 plus G3 upon 1 plus G2 plus G3, वेर H इज 1। H यहां पे कुछ नहीं है गिवन, तो यहां पे आप क्या ले सकते हो, 1, ये यूनिट फीडबैक है, तो ये आ गया। अब G1 एंड दिस ब्लॉक बोथ आर इन कैस्केड कनेक्शन, एंड इन कैस्केड कनेक्शन वी कैन मल्टीप्लाई बोथ ट्रांसफर फंक्शंस। स्टेप फाइव इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों ब्लॉक्स को। सो G1 G2 plus G3 upon 1 plus G2 plus G3। H1 G2 G2 plus G3। अब लास्ट में ये एक नॉर्मल फीडबैक लूप आपको दिखाई दे रहा है, और इस फीडबैक लूप को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट आपको फॉर्मूला लगाना है C upon R equal to G upon 1 plus GH, और ये क्लोज लूप के लिए फॉर्मूला है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, वेर कैपिटल जी इज G1 G2 plus G3 upon 1 plus G2 plus G3 upon 1 plus कैपिटल जी G1 G2 plus G3 upon 1 plus G2 plus G3 मल्टीप्लाई एच। H is H1 G2 upon G2 plus G3। We can cancel out G2 plus G3 by this. सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर गाइज ये आएगा G1 G2 plus G1 G3 upon 1 plus G2 plus G3 plus G1 G2 H1। हियर इज द फाइनल आंसर। तो ब्लॉक डायग्राम हमने ये पूरा रिडक्ट कर दिया है। रिडक्शन का मतलब इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को आप एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हो और इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। आप चाहे सी और आर के बीच में एक कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन ये आप ब्लॉक में रख सकते हो। जैसे ये जो भी आपका आंसर आया G1 G2 plus G3, ये आप R और C के बीच में इस तरीके से आप अपना आंसर शो कर सकते हो। थैंक यू गाइज़।